अरे शरीर बिल्कुल ही बेकार हो गया। अरे राम रे, उठा ही ना जाता है, हिम्मत नहीं पड़ रही है, गिलास पानी लेकर पी लो। इस बहू से पानी मांगे तो यू नड़ावे पानी देते हुए। स्वाति, अरे मुझे एक गिलास पानी दे जा तन्नक, मेरे पास उठाई ना जा रहा। इस बुढ़िया ने भी जीना हराम कर रखा है, कुछ ना कुछ काम बताती रहे। एक गिलास पानी भी लेके नहीं पिया जाता। जब देखो घर में इतने काम होते हैं, फिर भी ये बुढ़िया हुकुम चलाती रहे। आई मम्मी, अरे कैसे गिर गई हो? अरे मेरे राम रे, मेरे से तो वैसे ही ना उठा जा रहा। आई मम्मी, इस बुढ़िया का नाम क्या लिया, मेरे चोट और लग गई। अरे कैसे गिर गई तू, क्या हो गया? हटो, तुम्हारे चक्कर में लग गई मेरे चोट। तुम पे एक गिलास पानी भी ना पिया जाता, कुछ ना कुछ हुक्म चला ही जाओ। घनी तो ना लगी तेरे, तुम जाके चुपचाप वहीं बैठ जाओ जाके। अब पूछ रही हो घनी तो ना लगी तेरे? तुमने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल भी चैन से ना जीने देती। कुछ ना कुछ काम बता ही जाओ। गिलास पानी तो उठाना। तुम्हारा तो यही ड्रामा रहता है, कहीं तुम्हें बुखार रहे हुए, कहीं तुम्हें खांसी रहे हुए, कभी ठीक भी रहती हो। बस तुम्हें तो काम कराने के बहाने चाहिए कि मेरे को ये लाके दे दे, ये लाके दे दे। भाई, मम्मी से कैसे उल्टा बोल रही है? हाँ, तुम्हें तो अपनी मम्मी दिख रही है, मैं तो दिखी नहीं रही हूँ। मेरा पैर और तुड़वा दिया। मेरी माँ से जवान चला रही है। अरे क्यों मार रहा तू? चोट लग गई, उसका पांव मुड़ गया। इसे मारू ना करो, इसकी आरती उतारू। ये सब तुम्हारे ही करा धरा है। अब तुम कह रही हो कि इसे क्यों मार रहा, तुम ही तो पिटवा रही हो, तुमने सिखा रखा। मेरी तो एक बात सुनते नहीं, मेरे यहाँ तो चोट लग गई, मेरी ना पूछी एक बार भी। ओए ज्यादा जवान मत चला, नहीं भी बता दूं तुझे। अरे तू लड़ा मत ना, चल मैं अपना आप ले लूंगी पानी। चल भैया, तुम लोगों को जा बेटी, तू अपना काम कर ले। अरे चल, अब यहाँ लड़का मरेगा क्या? अब तो लो लोगी, जब मेरे चोट लग गई अब ले लोगी खुद पानी, जब तो लिया ना गया। भगवान, मुझे ले जा इस घर में से ठाक है। बुढ़िया ने भी जीना हराम करा, खुद तो मरती नहीं है ना तो किसी को चैन से जीने देती। बे मतलब मैं, चोट और लगी मेरे। माँ तुम यहाँ बैठ जाओ आराम से, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए पानी। अरे बैठ जा, तुम बैठ जा, उसकी गैर बहस मत कर रहा बेटा। कि वो अपनी माँ से कह देगी, तुझे पता ही है इसकी माँ कैसी उतार है। आके यहाँ बे मतलब की चिल्लावेगी, यहाँ पड़ोसी सुनेंगे, अच्छा ना लगता। मेरी तो तबीयत सी खराब है ना, तन्नक पानी को कहीं उठाना जा रहा। मुझे क्या पता ये गिर पड़ेगी, मैं उसका पांव मुड़ गया दिखा। तो माँ ये भी अच्छी बात थोड़ी ना, तुम उल्टा बोल ली है। बोल लंदे, कितने दिन बोल लेगी? अरे पता ना, साल की दो साल की, कितने दिन जीऊंगी मैं। अरे माँ तुम ऐसा मत बोलो। अरे बेटा तुम मेरे चक्कर में मत लड़े करो उससे, जा उसका कुछ लगा दे आइडिया से, उसका लग गई दिखा चोट। चल प्यार से रह कर। अरे माँ मैं ना लगाने को आड़े बैठ डेक्स। अरे तो देख तो ले उसका कितनी लग गई, जा। माँ तू भी मत डरे कर इससे इतना। अरे बेटा मैं डरती ना हूँ, मैं अपनी इज्जत को मरूँ, क्यों मैं इसे चार क्या कह रहा हूँ, दस सुनो इसकी। ऐसे क्या सुना देगी, मेरे होते हुए सुना देगी तुम्हें? वो तो तुम्हारे सर पर चढ़ा रखा। कोई बात ना, तू जा अपना देख ले उसे। चल ठीक है, जा रहा हूँ तुम्हारे कहने से। पिया दिया मुझे तो पानी, कितना बढ़िया पानी पियाया है। मेरी मत मारी गई, जब मेरे से पानी को कह बैठी। मैं मारू या जीव, मैं क्या भी ना हूं इससे किसी काम के। इस बुढ़िया के चक्कर में मेरे चोट और लग गई, पानी क्या देने गई मैं, चोट और मार के आ गई। कुछ ना कुछ इस बुढ़िया के चक्कर में लगता ही रह। एक बेटा, बेटा भी अपनी माँ की ओर ले वे, जैसे कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, बिल्कुल भी मेरी ना सुनता। ला मैं लगा दूँ। जाके अपनी माँ के पल्लू में घुस जाओ, आई समझ में? सब कुछ तुम्हारी माँ है, मैं तो कुछ लगती ना हूँ, मैं तो ऐसे भाग के आई हूँ तुम्हारे घर में। स्वाति मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरी माँ के बारे में मत बोले कर, नहीं काट दूँ तुझे। अच्छा काट के दिखाइयो। अरे मम्मी।
मैं आज अपनी मम्मी को बुलाऊंगी, तेरी सारी अकल ठिकाने कराऊंगी। बुला लीजिए अपनी माँ को, देख लो तेरी माँ क्या करेगी मेरा। जा तू यहीं से, देख मेरी माँ ना आ जावे तो तेरी अकल ठिकाने ला दी ना, तो मेरा नाम भी स्वाति ना। तू बहुत ज्यादा बिगड़ रहा ना अपनी माँ के चक्कर में। आज तो इसने हड्डी कर दी, मुझे एक चाटा नहीं मेरे को दो दो चाटे मारे। आज मैं अपनी मम्मी को फोन ही करूँ, आज बुला लो, आज फैसला ही हो जाए। आज मैं इस घर में रहूंगी ना, बहुत ज्यादा ही मेरा तो जीना आराम कर रहा है। एक तो मेरी चोट लग गई, मेरी चोट को तो किसी की परवाही ना। अरे तनु बेटा, तो इस फोन में लगी रहा पूरे दिन, पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया कर थोड़ा सा ना। मम्मी मेरी पढ़ाई पढ़ाया चल रही है, मुझे तो पता कैसे चल रही है। मैं तो नहीं कह रही हूँ ध्यान दे लिया कर पढ़ाई पे। तो मैं दे रही हूँ ध्यान, फोन कभी कदा तो मैं चलाऊ। दिख रहा हो तो मुझे कितना ध्यान दे रही तू। तुम चुप रहो तो मैं ना पता कुछ भी। हाँ हमें क्या पता होगा, अब तो सब तुझे पता। तो देखे स्वाति दीदी का फोन आ रहा, करियो बात जरा। हेलो। हेलो, हाँ बेटा स्वाति, कैसी है तू? अरे मम्मी मैं तो बहुत बेकार हूँ। मम्मी मम्मी तुम कहाँ हो? क्यों क्या हुआ बेटा? मम्मी तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। क्यों क्या बात होगी, बता तो सही, बात क्या हुई? तुम वहीं बैठे बैठे सारी बातें सुनोगी कि यही सुनोगी? अरे बेटा कुछ बात भी हुई, मुझे बात तो बता। मुझे ना पता, तुम मुझे यही चाहिए, यही बताऊंगी सारी बातें, फोन में ही पूछ लोगी सारी बातें। चल ठीक है, तो ऐसी बात है मैं भी आऊँ। हाँ जल्दी से आ जाओ, मुझे ना रहना है इस घर में। ठीक है बेटा। आन दो मेरी मम्मी को, इन दोनों की अकल ठिकाने ला दी ना तो मेरा नाम भी स्वाति ना। ये बहुत ज्यादा बन रहे, इन दोनों को बहुत ज्यादा ही हो रहा, अब मैं इस घर में रहूंगी ना। आने दो मम्मी को, और ना घर का सारा काम भी ना करने की, अब बुढ़िया ही करेगी सारा काम। मैं काम कर लूँ ना तो मेरा फायदा उठाया जा रहा। मैं क्या हो गया, क्या कह रही दीदी? अरे बेटा वो तो बहुत परेशान है और रो रही थी, नू कह रही थी मम्मी तुम अभी आ जाओ। मम्मी एकदम से ऐसे क्या बात होगी जो दीदी ऐसे बोल रही है? अरे बेटा मुझे भी नहीं पता क्या होगी। चलो तो फिर जब दीदी बुला रही चल के देखते क्या बात हो गई। चल तो चलो। मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा वे दीदी को परेशान कर रहे दिखे हैं, और जीजा ने पीट पीट दी दिखे है दीदी, इस मारी बुला रही है एकदम से। अच्छा ऐसी बात है ना, तो आज बता दूंगी इसकी माँ को भी और उसे भी। माँ तूने खाना वाना खाया नहीं खाया? अरे बेटा अभी कहाँ खाया खाना, पता ना बनाया जन्ना उसने। चल तू टेंशन मत ले, मैं लेकर आता हूँ, ये स्वाति से कह देता हूँ वो दे देगी तुझे। मैंने ना बनाया खाना वाना, और मुझसे खाना बनाने की कह मत दियो, खुद बनाओ खुद खाओ, आई समझ में? और मेरी मम्मी आती होगी, अभी बताती है तुम माँ बेटों को। नूना ना कर रही, मैं तेरे से मंगी मत क्या वैसा कुछ भी कर दिया। नंद ने अपनी माँ के दोहरा फोन, अब वो आवेगी भा मेरी की तरह यहाँ चिल्लाओगी। हाँ मैं तो खुद ही बीमार हो रही हूँ, कैसे करके हटोगे तुम दोनों, तुम बता दे मुझे। अरे आ जान दे, क्या कर लेगी वो, देख लूँ मैं भी। बेटी तन्ने मार लियो तो बनाना खाना, कम से कम अपनी माँ की नहीं हो तो बना लेती, जब वे आ रहे हैं तो भूखी भेज जाएगी उन्हें। मेरी मम्मी यहाँ खाना खाने नहीं आ रही, मुझे लेने आ रही है। भगवान। राम राम जी। राम राम। तू उठा लाता कुर्सी। और सब ठीक ठाक है घर? हाँ जी हम तो सब ठीक ठाक है। मुझे अमित से कुछ बात करनी थी, कर सकूँ मैं इससे बात? हाँ जी कर लो बात। हाँ जी बताओ क्या बात करनी है? तेर से मुझे अकेले में बात करनी है, तो ऊपर को चल या बाहर को चल? देखो जी जो भी तुम्हें बात करनी है ना मेरी माँ के सामने करो, मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी। अरे कोई बात ना, जब कह रही है लक्कू ले जाकर करने को बात तो कर ले बेटा, जा। अरे लक्कू क्या करूँ बात, जो होगी बात तुम्हारे सामने होगी। अमित कुछ बात ओल्ले पल्ले की भी हो सबके सामने ना करी जाती है। तुम मेरी माँ की सब में गिनती गिन रही हो, ये मेरी माँ है माँ, जो भी बात करनी मेरी माँ के सामने कहो। अरे भैया तू कर ले जा के ले बात, चल
किसी तरह तो इस राड को निमटा जा। अरे राड क्या है इसमें, बात कर लो, कोई लट थोड़ी ना मार देंगे। कोई बात नहीं, मेरे मारो ना कह रही ना कुछ, तुम बैठो और बात कर लो अपने जो बात है। तुम कर लो बात, मैं बाहर को चली जाऊं, ठीक है चौधरी? स्वाति आ बेटा बैठ। अब बताओ बात क्या है। मम्मी बात क्या होती, मुझे बेमतलब में मार रहे, अब इनसे पूछो क्यों मारा मुझे। हाँ भाई अमित, कैसे मार रहे मेरी लौंडिया को? अरे जब मेरी माँ से ही जवान चलाएगी तो मारूंगा ना, क्या इसकी आरती उतारूंगा? तो बात समझाएगी तो जावे, या पिटन से ही काम चले? ये तो मेरे से भी जवान चला रही है। मम्मी मैंने किस बात पे जवान चला दी, घर में बहुत सारे काम होते हैं, और अगर मैंने एक काम ना भी करा और इनकी माँ कर लेगी तो उसमें क्या हो जाएगा? बेटा बात तो यो भी सही कह रही है, अगर यो काम में बिजी है तो तेरी माँ काम कर लेगी। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरी माँ की तबीयत सही हो तो कोई बात ना काम कर ले वे, जब मेरी माँ की तबीयत खराब है तो ऐसा कैसे कर लेगी मेरी माँ काम? मम्मी इतनी भी तबीयत खराब ना, जो एक गिलास पानी लेके ना पी सकती। बेटा अमित देख, मैं तो आई हूँ तुझे समझाने के लिए, तुम दोनों साथ में रहोगे परिवार हंसी खुशी से आगे बढ़ेगा, और रही बात माँ की, माँ कितने दिन की है थारे, उसे तो आज निकल मरना है ही बेटा, और तुम दोनों खुशी खुशी रहा करो, और देखो ये है तो तेरा और स्वाति का ही। हाँ जीजा मम्मी सही कह रही है, ये सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। तुम्हारी मम्मी है कितने दिन की, अपने मम्मी से कहो अपनी जायदाद वायदाद अपने नाम करवाओ। मम्मी इन्हें ना आएगी बिल्कुल भी तुम्हारी बातें समझ में, ये तो सिर्फ अपनी माँ के चक्कर में लगे रहे हैं। मम्मी रही जमीन की बात, वो ना करने की हमारे एक फूटी कौड़ी भी हमारे नाम, और आ जाएगा ना जब छोटा बेटा, सारा उसके इनाम कर देगी। इन्हें तुम कितना भी समझा लियो, इन्हें ना आवे बिल्कुल ही समझ, ये रहेंगे अपनी माँ के चक्कर में ही, और ना मिले इन्हें कुछ भी। बेटा अमित स्वाति ठीक कह रही है, जैसे वो कह रही वैसे इसकी बात मान ले, और कल को अगर तेरा भाई वहाँ से पढ़ के आ गया तो वो तेरी माँ है ना, वो सारा कुछ उसके नाम कर देगी, आ रही बात समझ में? और कल को फिर मुँह मत कह दियो मम्मी ये क्या हुआ, हम तो बेटा तेरी भलाई की बात करें, अब भी अगर तेरी समझ में आ रही हो तो समझ जा, यही मौका है बेटा तेरे पास, ना तो फिर मौका ना तेरे पास में। सही कह रहे जीजा मम्मी, ध्यान से सुन लो, बाद में न रहने का तुम्हारे पास मौका, फिर पछताओगे बाद में कि मम्मी सही कह रही थी, फिर मूड पकड़ के रोओगे कि क्या हो गया। क्या सोच रहे हो, आई मम्मी की बातें बिल्कुल भी समझ में ना आई? हाँ हाँ मुझे सब बात समझ में आ गई, मम्मी तुम सही कह रही हो, अब जो स्वाति कहेगी ना अब मैं वो ही करूँगा, और हाँ अब स्वाति को ना मैं बहुत खुश रखूँगा, और जल्दी से जल्दी इस जमीन को अपने नाम कराऊँगा। बेटा मैं तो यही चाहूँगी कि तू समझ जा, इसलिए तो आई थी तुझे समझाने के लिए। मम्मी अब मैं तुम्हारी बात सारी समझ गया, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है बेटा अमित, तो अब हम चलते हैं। ठीक है। ठीक है स्वाति, अब दोनों खुश रहियो, आराम से लड़ाई वड़ाई मत करियो, ठीक है अमित? ठीक। चले ऊपर अब। चलो अब भी तो आई तुम्हारे बात समझ में। बेटा अमित और आई हो? हाँ माँ क्या कह रही हो? अरे मैं कह रही हूँ एक कप चाय बनवा दे स्वाति से, मेरे सिर में दर्द हो रहा। अरे माँ तूने भी ना आखरी मचा रखी है, हमेशा स्वाति स्वाति स्वाति। अरे मैंने क्या कह दिया, ऐसे एक कप चाय तो मांग रही हूँ, तू ऐसा कैसे बोल रहा? अरे एक कप चाय तो तू बना के पी सके। अरे मैं बना के पीऊंगी फिर थार दोनों का मैं चार डाल लूंगी, हाँ जो एक कप चाय भी ना बना थार पे। तुमने स्वाति का ही पागल बना रखा, 24 घंटे स्वाति के पीछे पड़ी रहो। समझ गई बेटा मैम, अब खूब अच्छे से समझ गई मैं, अपनी सास की शिकायत से बोल रहा ना तू, अपनी माँ को ये बोल बोल ले कोई बात ना, आज के बाद बेटा मैं थार से कुछ कहूंगी ना। कहने भी मत, हमें जरूरत भी नहीं है, और हाँ चाय वाय के लिए ना कह करो मत स्वाति से, खुद बना कर पी ले करो, तुम्हारे पैर हाथ टूट ना गए अभी। भगवान मुझे ठाके ले जा तो ठीक, अपने कोक का लिगड़ा याज नु करा से कुछ मत कहिए, इनसे न कहूं तो और मैं किससे कहूं, बस भगवान मेरा छोटा बेटा ना लिकड़ जाए ऐसा, यू तो अपनी सास के बहकाए में आ गया, बाप तो मैं यूं ही चाह रही हूं मेरा छोटा बेटा जल्दी से आ जा, उसके फेरे फेर के जब भगवान मुझे ठा ले फिर मुझे कोई चिंता ना।
कहाँ जा रही हो? चाय बनाऊं एक कप। जब मैं रसोई में काम करती हूँ तुम्हें जब ही चाय की दिखती है। तो बना दे बेटे एक कप। मेरी बस की नहीं है चाय बनाना, बिल्कुल भी। मुझसे तो कहो मत, वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है और एक टाइम चाय नहीं पियोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हें? बेटी बना दे एक कप चाय, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने बोला तो समझ भी नहीं आया, जाओ यहाँ से। अरे मम्मी तुम क्या कर रही हो, क्यों स्वाति के पीछे पड़ रही हो? तुम ऐसा करो, अब तुम इस घर में ना एक मिनट भी नहीं रह सकती, तुम जाओ यहाँ से। कोई बात ना बेटा, मुझे पता नहीं तू ऐसा निकलेगा। आज तू अपनी बहू के कहने से मुझे घर से निकाल रहा और वो तेरे सामने धक्का मार रही है मेरा। अरे माँ झूठ की बोल लिया है, उसने तुम्हें धक्का कहाँ मारा, उसने तो जाने के लिए कहा, तू जा। अब तू जान पूछ कर गिर रही है तो उसमें उसकी क्या गलती है? ठीक है बेटा, तू कह रहा ना चली जा, आज चली जाऊंगी मैं, तू खुश रह, भगवान तेरा भला करे। हाँ हाँ जाओ तुम। हाँ तुम हो दे रहे हो हमारा भला, तुम तो रोज लड़ने को बैठ जाओ, जब देखो लड़ने पे रहो। माँ आधी लड़ाई तो तुम्हारे वैसे होती है घर में, कभी चाय बना दे कभी रोटी बना दे। चल ठीक है भैया, मेरे लग रहे चार पेट में ही खाऊं ज्यादा। भगवान कहाँ जाऊँ मैं अब, अपनी बहू के चक्कर में मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। ऐसी औलाद किसी को मत दिए भगवान, जो माँ बापों को घर से निकाल दे। निशांत भाई तेरी मम्मी बैठी दिखे हैं। अरे हाँ यार है तो मम्मी। ये कैसे बैठी है मम्मी? क्या हो गया मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम, और तुम यहाँ कैसे बैठी हो? दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने बस एक कप चाय की कही, बहू ने धक्का देकर नुकाती जाए उसपे। आज बता दूंगा इन्हें, अब तुम मेरे साथ चलो, ये मेरे पीठ पीछे ऐसा करते हैं। तुम रो मत मम्मी, आओ मेरे साथ चलो। हाँ मम्मी। इधर आ बेटा। आ रही हूँ मम्मी। हाँ मम्मी। बेटा मैं यूँ कह रही, चार पांच दिन हो गए, चल तेरी बहन गया राउंड से लेके आवे, क्या चल रहा वहाँ से? हाँ मम्मी कह तो सही रही हो, जीजा का कुछ ना पता, कभी भूल भाल ये सारी बात, एक बार चेक करी आवे। चलना तो फिर। चलो तो फिर भड़का आऊंगे उन्हें, दोबारा बता कहूंगी सारी बात। चलो आ गए तुम, ले आए अपने छोटे बेटे को। भाभी ये मुझे लेकर ना आई, मैं इन्हें लेकर आया हूँ। और सब बात छोड़ो, ये बताओ अमित कहाँ है? आज तुम्हें भी बता दूंगा और उस अमित भी बता दूंगा। अच्छा अब तुम्हारी भी जवान चलने लगी, जरा होश में बोल लो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, आई समझ में? अरे जितना कह रहा हूँ उतना बता, अमित कहाँ है? अमित बोला। अरे बेटा तो बात कर ले, लड़ो रहा बता, क्या बताया? बताना क्या, इतना बता, माँ को घर से बाहर क्यों निकाला तूने?
और अगर आज मैं सही टाइम पे ना आता तो माँ को कहाँ ढूंढता फिर? अरे बेकूफ, मैं क्यों निकालता, अपने आप गई है। अरे अमित, तू क्या समझ रहा, मुझे कुछ पता ना है? माँ ने मुझे सब बता दिया, किसने बाहर निकाला घर से। और एक बात बता, जिसने तुझे बचपन से पाला तूने उसे ही आज घर से बाहर निकाल दिया? अमित, आखिर ये तो सोच के देख, ये हमारी माँ है और ये 4 दिन की आई हुई भाभी, इनका भूत सवार हो रहा तेरे पे, इसके कहने पे निकाला तूने माँ को घर से बाहर। अमित भाई, एक बात बता, आखिर ये सब जो भी कुछ है तो मेरा और तेरा ही, माँ कौन सा इसे अपनी छाती पे धर के ले जा रही है? और मैं पढ़ने क्या चला गया बाहर, तूने तो माँ की बिल्कुल ही बेकदरी कर दी, तुझे बिल्कुल भी शर्म ना आई अमित? बेटा तो चुप हो जा, यूं ना बोल रहा है, इसकी सास सिखा के गई है, इन्हें पहला बहुत अच्छा था, अब बेटा मैं तू अलग रहेंगे, इन अपना अलग रहने दे, ये अपना अलग कर खाओ और हम माँ बेटा अपने 2 रोटी पाऊंगे और 2 खाऊंगे, कहीं से रिश्ता ठीक सा होगा तो मैं तेरे भी फेरे फेर दूंगी, बस मुझे तेरी टेंशन सी रह रहा है, मेरा बेटा यूँ ही रह रहा कुआरा, और तू चिंता मत कर, सब कुछ मेरे नाम है, मैं बिल्कुल भी ना दूँ सब कुछ भी, जब मेरी केयर ना कर रहा तो मेरा हिस्सा ही कैसे ले लेगा, यू सारा कुछ तेरे नाम करूँगी, जाओ अपने जाजी करेगा इनका वहाँ। माँ, हमें माफ कर दे। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, ना ही चाहिए तुम्हारा घर, मुझे आप चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। माँ जी, हमें छोड़ के मत जाओ, हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे, जब आप ही हमारे साथ नहीं रहोगे तो हमें इस घर का क्या करना? माँ, मुझे भी माफ कर दो, मैं अपनी सास के भड़कावे माँ के तुम्हारे साथ ऐसा करा नहीं, मैं अपनी माँ के साथ कभी ऐसा कर सकता हूँ क्या? बेटा वो तो मुझे पता ही, तेरी सास भड़का के गई तुझे, नहीं तो पहले से ना रह रहा, कभी भी कुछ ना कही इसने मुझे, चल ठीक है मैंने माफ कर दिए, अब दोनों हंसे खुशे रहो। अरे माँ को क्या चाहिए, यही तो चाहिए उसके बच्चे सुखी रहे, मैं ऐसा ही सलामत रहे, मैं मम्मी जी आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हें दोनों को देखना है, खुशी से रह रहे हो दोनों? हाँ मम्मी जी, हम लोग सब अच्छे से रह रहे हैं। मम्मी जी, जो तुम यहाँ आग लगा गई थी ना पहले, अब वो आग हमने बुझा ली है, हमारे घर में ना आग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये क्या कह रहा बेटा तू, हमने कौन सी आग लगा दी? मम्मी जी, जो मेरे घर में अमित को और मुझे सिखा के गई हो ना, आगे से ऐसे काम कभी मत करना, और जब भी मेरे घर आओ तो अच्छे से आना और बिल्कुल भी ऐसी बात मत करना। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, जो ज्ञान आपने मुझे दिया ये तन्नु को ज्ञान मत देना, आगे चल के इसका घर बिगड़े। बहन जी, अब मुझे आप माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने इन बच्चों को गलत शिक्षा दी, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बहन जी, मेरे बच्चे तो मेरे पास आ गए, मैंने तो एक बार को सोचा था कि मेरा परिवार भी छड़ गया, पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, मेरा परिवार फिर से मिल गया। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, राम राम जी। राम राम। चलो बच्चों, खाना पकाओ और आज सारे बैठ के एक साथ खाना खाओगे खुशी खुशी। स्वाति, जाओ अब खाना बनाओ। राम राम। राम राम। एक गिलास पानी ला दिए। तू खुद लेके पी ले, कौन सा नौकरी पे से आया, तेवर तो देखो जैसे कहीं का साहब हो। माँ, तू ही मेरे लिए एक कप चाय बना दे। बेटा मेरी बस की तो है ना, मैं रो रहा सिर में दर्द, चाय बना दो जी से। अब चाय बनाने जा रहा है, थोड़ी डालिए दूध, वो छोरी भी आओगी ड्यूटी पे से, उसको भी देनी चाय बना के, जा बना लेते एक कप मेरी, बना लिए। ए भगवान, मेरे भाई की भी जॉब लग जा, वो भी सही से कमा खा लेगा, पता ना उसकी जॉब कब लगेगी, मम्मी भी से ताने देती रह। मैं ले मेरी इस शर्ट पे प्रेस कर दे, मुझे बाहर जाना पहन के।
सुनो, तुम अपनी बहन को परेशान करते हो, शर्म नहीं आती क्या? हर टाइम बस बैठ कर ऑर्डर देना आवे। मम्मी जी नमस्ते। राम राम बेटी, राम राम। अरे दीदी आ गई आप, अब बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आते हैं। अरे बैग भी ले जा इसका। देख मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, ये बता कैसी लगी तुझे ये ड्रेस? वाह ये तो बहुत अच्छी है, मैं आपको भी पहन के दिखाती हूँ। जा। माँ मैं आपके लिए भी कुछ लेकर आई हूँ, ये देखो। वाह हरी चूड़ी लाई, हरी तो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कलर है ये तो। मुझे पता था मम्मी ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, तभी तो लेकर आई थी मैं। देखिए दीदी कैसी लग रही हो। अरे वाह बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहन। सोनम मेरे लिए क्या लाई है? मैंने तो यार जींस के लिए बोल रहा, मेरी सारी जींस बेकार हुई पड़ी हैं। तुझे शर्म ना आती, मेरे से गिफ्ट और कपड़े मंगवा रहा तू? किस खुशी में लेकर आऊं मैं तेरे लिए कपड़े? तू मुझसे बड़ा है घर में, तुझे मेरे लिए सोचनी चाहिए ना कि मुझे तेरे लिए सोचूं। और मुफ्त की रोटी जो तोड़ रहा तू घर में वो तेरे लिए कम है? वो हजम ना हो रही तेरा? इस टाइम तुझे घर की जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बटाना चाहिए। लेकिन एक तू है मेरे से जीन्स मांग रहा, अगर तूने इतने शौक पाल रखे है ना तो उन्हें पूरा करने के लिए पैसा कमाना भी सीख ले, हर टाइम दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहे। ए, मैं तो तेरे से इसलिए कह रहा कि मेरी सारी जींस पुरानी होगी, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, एक जींस ही तो मांगी। माँ तुम मेरे लिए खाना ही बना दो। अरे बना रखा लेना, मैं भी तेरे हाथ टूट रहे, लेके खा ले, नौकरी समझ रखे हैं सब चीज को, किसी को पानी लादर किसी से रोटी दे। माँ आज गरम रोटी बना दे, मेरा गरम रोटी खाने का मन कर रहा। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। अरे तेर से आधी उम्र के लड़के कमा कमा का खवा रहे अपने माँ बाप को, तू एक हम पे बोझ धरा। माँ मैं ढूंढ तो रहा हूँ काम, और तुम हर टाइम मुझे ताना मारती रहो। अरे क्या काम ढूंढ रहा, तुझे नूना देख रही है? दो सियानी बैठी धरी है, इनके भी ब्याह करने है मुझे, खुद तो तू कुंवारा है ही, कम से कम इनके तो फेरे फेरूंगी मैं, तुझे काम मिले ही ना कहीं, धक्के मुक्के खा कर बैठ जा, दे दो रोटी लाके। पता ना कौन सा मनुष्य दिन आओगा जिस दिन तुझे काम मिलेगा, तुझे ना मिला कभी भी काम। हेलो, हाँ शर्मा जी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। अरे भैया आ गए आप, लाओ दो अपना बैग मेरा साथ। पानी ला दे भैया को और चाय भी बना ले दो कप। लो भैया पानी पी लो। बेटा तू भैया के लिए चाय बना दे और मैं इसके लिए गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ। आराम कर ले बेटा तू इतना। लो भैया चाय और पी के बताओ कैसी बनी है। और मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं, दे और कुछ काम हो तो बता देना। नहीं जो तन्ने कर दिया वो ही बहुत है। अरे भैया आज तो आप मुझसे पहले आ रहे, तुझे पता भैया मैं तेरे लिए दो शर्ट लेके आई हूँ, इतनी अच्छी तू पहन के दिखाई, तुझे कैसी लगी? मॉल में से लाई हूँ एकदम टॉप की, ले। क्या बात है बेटा, गुस्सा ना लग रहा, कपड़े अच्छे ना लगे? हाँ भैया क्या हुआ, आपने कैसे मूसा लटका लिया? माँ ऐसी बात ना कि कपड़े अच्छे ना, मैं तुम तीनों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छे से समझ आ गई
कि पैसे में कितनी ताकत है। जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास पैसा होता है ना उसे सब लोग सलाम करते हैं, और उसे बिन मांगे ही सब कुछ मिल जावे, चाहे पानी हो चाहे गरम खाना हो। बेटा ऐसा क्यों कह रहा तू, हम तो सब तुझे पहले से ही मानने हैं। अरे ऐसा ना करती मैं तेरी गल तो तू कमाना कैसे सीखता, नो बता। सही कह रही है माँ, तुम्हें पता है माँ घर में ठहली बैठे लोगों को दो वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिलती है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, घर का बोझ। और पता है सोनम, ये इज्जत मुझे नहीं मेरे पैसों को मिल रही है, वरना पहले भी मैं इस घर का बेटा हा, किसी का भाईया, कोई मुझे पूछे तक ना हा। और आज मेरे पे पैसा आगा तो आप सब मेरी सेवा करने पे लग रहे हो। भैया आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। बेटा ऐसी बात ना है जैसे तू सोच रहा, हम तुझे पहले भी प्यार कर रहे थे और अब भी प्यार कर रहे हैं। कोई भी माँ बाप नहीं सोचती कि हमारा बालक घर में बैठ कर खावे, हर माँ बाप नु सोचते हमारा बच्चा कमावे और अपनी अपनी कमाई पे जीवे, अपने पैरों पर खड़ा होवे। ये बात नहीं है बेटा जो तू बोल रहा, हम तुझे पहले भी चाहवे थे अब भी चाहूं। मम्मी, क्या बात है, बैठ कर बता क्या बात है। माँ आज घर बड़ा खाली सा दिखाई दे रहा, और सब कहाँ है और भाभी कहाँ है। अरे कैसी बात है मम्मी, ये चाय कॉफी तो घर में ही बना के पी सके, बाहर ही धक्के खाने जरूरी है। क्या जरूरत थी बाहर जाके कॉफी पीने की, मेरे घर में ना होता ऐसे चौचले, मैं तो घर में ही बनाऊं घर में ही पी लूं। मम्मी तुम ना भाभी को थोड़ा सा बहू की तरह रखना सीख लो, नहीं तो वो एक दिन आपको ही दबाने लग जाएंगी, अपना ही राज चलाएगी इस घर पे, जो मन में होगा वो पहनेगी, जहाँ मन होगा वहाँ जाएगी। मम्मी आज तो बता के गई है, कल को बिना बताए भी जाएगी। हाँ मम्मी आज इसको ढंग से सीधा कर देना, ताकि कल से जींस में ना घूमे।
अभी आई नहीं है, महारानी सवेरे की गई वही। ये देखो मम्मी आ गई बहू रानी मटकती हुई। मम्मी की नमस्ते। मम्मी अब लो इसकी क्लास ढंग से, आपकी तो नई नई शादी हुई है, आपको तो सर पे पल्ला रख के रहना चाहिए। ऐसी चली गई नंगे सिर बाहर, तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है या ना है? ये बात है बहू, ना तो तन्ने सिर पे लत्ता धर रखा, बाल फकेरो फिर रही है, अरे तने लांडे से लत्ते और पैर रखे। मम्मी जी आपको क्या हो गया, आज तक तो आपने मुझे इन चीजों के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज अचानक से आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? अरे बेटी क्या हो गया, अरे इतनी समझ तो तुझे भी होनी चाहिए, आज तक मैंने तुझे टोका ना, सिर पर चुन्नी नहीं रख सकती, तो बाल बखेरा फिर रही है। पड़ोस की बहुओं को देख, सब सिर पर चुन्नी धर कर लिखड़ा है, तेरे तेरे ना लिखड़ती, तू फिर रही है लांडे से कपड़े पहरे। और तू दूर क्यों जा रही है, घर में तू अपनी नंद को देख ले, बिगड़ चुन्नी सिर पर रखे वह एक मिनट नहीं रहती, बाहर जाने की तो बहुत बड़ी बात है। अब भी हम मेरे दौर आ रही है पीहर में, साड़ी पैर कर रहे वह दब से, तेरी तरी ना लांडे कपड़े पैर का घूम रही। देख बहू अभी सुन ले कान खोल के, ये सब मेरे घर में ना चलेगा। पर मम्मी आज आपको क्या हो गया, क्या बात हो गई? अगर मैंने सर पे चुन्नी नहीं रखी, पर मैं आपकी इज्जत तो करती हूँ ना, और ऐसे कपड़ों का क्या फायदा जो अपने माँ बाप की या अपने सास ससुर की इज्जत ना करे। और मम्मी आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको अचानक से क्या हो गया? अरे मैं कह रही हूँ ना, तू घर की बहू बेटी ना है, ढंग के कपड़े पैर कर रह कर। पर मम्मी आपको तो ये शादी से पहले सब पता था ना कि मैं ऐसी रहती हूँ, और हाँ कल मैंने जींस क्या पहन ली, आपने इतनी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा उतार दिया, मुझे एहसास भी नहीं था कि आप ऐसा करोगी। अच्छा तू मेरी गैल जुबान चलाएगी, तुझे भी बताऊंगी, तुझे मैंने कह भी दी जींस पहनने की नहीं, तो इसका मतलब नू थोड़ी है कि तू रोज जींस पहन के घूमेगी। चल ठीक है, मैंने तुझे कह भी दी कदी कदाक पहनने की नहीं, पर तू तो बिगड़ चुन्नी के घूम रही है। अरे हमें दुनिया वाले क्या बात बनाऊंगे, किसकी बहू तो ऐसा घूम रही है, तेरे तो बिल्कुल भी लिहाज ना रही। रही बात मेरी बेटी की, मेरी बेटी ससुराल में बिगड़ चुन्नी रखे ना रहती है सिर पे, और यू ससुराल तेरा है, यू मेरी बेटी का ना है, मेरी बेटी तो तुझे कल की बात बता रही है, तुझे बुरी लग रही है। और भाभी ये आप क्या बोल रहे हो, शादी से पहले तो सुनो, मेरे ससुराल वालों ने भी यही बोला था कि तुम शादी के बाद में सब कुछ पहन सकती हो। मुझे देखो मैं अब तक साड़ी पहनती हूँ, साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती हूँ। इस घर की बहू बन के रहा करो, बेटी बनने की कोशिश ना करो। हाँ बेटी तू ठीक कह रही है, ये तो चाह रही है ना नू आके दुनिया हमारे बारे में बात बनावे, नू ही पहन रही है इस तरह के कपड़े, यू तो मेरे से मेरा बेटा भी छीनना चाह रही है, इसलिए तो उसे रोज बाहर ले जा, वहां ले जाकर कान भराया उसके, जब तो मेरे से ना बोलता, अनिता आज से पहले वो मेरे से ठीक बोल लग रहा, जब से यू आई जब से इन्हें ऐसे कान भरे मेरे से बोलता है ना सोलह माथे। तू तो महारानी की तरह बाहर घूमती रहे हैं, घर में सारा काम मैं करूं, इसलिए लाई थी मैं तुझे, तेरा का मैं चार डाल लूंगी जब तू काम ना करेगी, तो यहाँ घुमाने फिराने को लाई हूँ तुझे। बस मम्मी जी बहुत हुआ, जब से मैं इस घर पे आई हूँ आप मुझे टॉर्चर करे जा रही हो, कभी किसी चीज पे कभी किसी चीज पे बोलती रहती हो, और हाँ मुझसे एक गलती क्या हो जाती है, आप उस गलती को 10 गलतियां बता देती हो, और अगर उसमें भी कोई कसर रह जाती है ना, तो दीदी दीदी उस कसर को पूरी कर देती है, क्योंकि दीदी अपने घर में तो खुश है नहीं, तो उन्हें तो जलन होती है ना कि उनके भैया भाभी इतने खुश कैसे हैं। और दीदी आप, आपको शर्म नहीं आती, आप मम्मी को भड़का कर ना अपने भाई को दुख पहुंचा रही हो, और कैसी बहन हो आप अपने भाई की घर गृहस्थी देखकर दुखी रहती हो। और मम्मी जी आप तो शादी से पहले बहुत खुश थी ना कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, और जैसी भी है मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहूंगी। और अब आपको मेरी सारी बातों से प्रॉब्लम होती है, अगर आपका बेटा ऑफिस से आकर मेरे पास थोड़ी देर क्या बैठ जाए, आपको उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा जोरू का गुलाम हो जाता है ना वो। मम्मी जी आप एक बात बताओ, जिसके लिए मैं अपना घर परिवार अपनी खुशियाँ अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ, लेकिन नहीं आपको ये सब चीजें कहाँ दिखती है मेरी। मम्मी मैं आपकी कितनी भी इज्जत कर लूं, आपको कुछ नहीं दिखता, दिखता है तो मेरे कपड़े, कभी आपने मुझे अपनी बेटी जैसा माना है, लेकिन आप उम्मीद करती हो कि मैं आपको अपनी माँ जैसी मान लूं। मम्मी मैं भी किसी की बेटी हूँ, अगर आप अपनी बेटी को देखकर खुश रहती हो ना, तो अपने बहु बेटे को भी देखकर खुश रहा करो। और मम्मी वैसे भी कपड़े कोई किसी का करेक्टर डिसाइड नहीं करते, अगर कोई लड़की वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रही है ना, तो आप ये मत समझो कि वो लड़की आपकी इज्जत नहीं करेगी। सही कह रही है तू, अरे हाँ तुम्हारे घर में आग लगा रही है, वो तरीका है तेरा? अरे माँ तू भी शर्म कर ले, मेरे पीछे तुम इसे ऐसे ऐसे बोल ले। बहू मुझे माफ कर दे, मैं इस बात को भूल गई कि मेरी बेटी भी किसी के घर की बहू है।
भाभी मुझे माफ कर दो, हमारे घर की खुशी आपसे है मुझसे नहीं। ठीक है कर दिया माँ, और तेरे कालू कलेक्टर को फोन कर दिया, आ रहा होगा तुझे लेने।